नाम समीर मोहनराव डोंबे, महाराष्ट्र के पुणे ज़िले से खोर करके छोटा गांव है वहाँ से मैं आता हूँ। मेरा बिजनेस है अंजीर की खेती में और पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू चेन डेवलपमेंट में मेरा काम है। थर्ड जनरेशन हमारी अंजीर की खेती में काम कर रही है, इंजीनियर से लेके किसान ऐसा मेरा पूरा जर्नी है। उसमें डायरेक्ट सेल टू दी ऑल लीडिंग सुपर मार्केट एंड सम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अंजीर बेचते हैं। लगभग 284 फार्मर के साथ हमने एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किया है, वो कंपनी के थ्रू हम सबको अच्छा दाम उनके उत्पाद का देते हैं, उसी के साथ साथ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस फॉलो करने के लिए उनको हम गाइड करते हैं। आइकॉन्स ऑफ भारत मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। समीर और अंजीर ये दोनों काफी मतलब एक साथ चल रहे हैं आपकी जिंदगी में, तो जरा अपनी कहानी बताइए, कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। मेरा नाम समीर मोहनराव डोंबे, महाराष्ट्र के पुणे जिले में खुर नाम का एक मेरा छोटा सा गांव है, पहाड़ी इलाका है, पुणे से 50 किलोमीटर दूर है, पूरा बारिश के पानी पे ही निर्भर खेती है, वहाँ पे हमारे अंजीर की खेती है। लगभग तीसरी जनरेशन मेरी अंजीर की खेती में काम कर रही है। हमारे गांव के अंदर लगभग 350 एकड़ में अंजीर की खेती होती है, तो उसमें मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, बी मैकेनिकल हूँ, तो एजुकेशन के बाद कैंपस जॉब लगी, लेकिन वो काम करते समय कुछ मज़ा नहीं आ रहा था, तो कुछ तो गलत हो रहा है सोचा, और कुछ अपने खेत में कुछ जाके करते ऐसा सोचा, और मेरा जॉब मैंने छोड़ने की सोची, और फिर एक बार खेती में आने की सोची और खेती में काम करना सोचा। और जैसे कि पूरी पढ़ाई हमने पूना सिटी जो है मेरा कॉलेज था, मेरे घर से 55 किलोमीटर दूर था, तो मैं पूरा ट्रैवल करके अप एंड डाउन करता था रोज़ एजुकेशन, तो खेती के सभी कामों में हाथ बटाता था। अंजीर का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि क्लाउडी कंडीशन में उसका अर्ली मैच्योरिटी आ जाता है, वो जल्दी राइप हो जाता है, मतलब समझो हर दिन का 100 केजी एक एकड़ में निकल रहा है, तो क्लाउडी कंडीशन में वो 400-500 किलो तक जाता है। क्या होती थी आपकी सैलरी जब आपने जॉब छोड़ी? 38,000 मेरा पेमेंट, 38,000 कैंपस जॉब थी मेरी, और अभी उससे ज्यादा कमाते हैं, मेरा 3 करोड़ का टर्नओवर है। क्या बात, 3 करोड़ का टर्नओवर, क्या बात, प्रॉफिट भी अच्छा बन जाता है, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं है कि आपने ये रास्ता चुना? बहुत बहुत बधाई। आपके जो ये खानदानी व्यापार चल रहा था उसके पहले और आपके आने के बाद कैसी स्थिति बदली, क्या क्या बदलाव आया? खानदानी व्यापार नहीं था, खानदानी खेती थी, खेती थी। हाँ, पूरी खेती है, तो उसका जो मार्केटिंग चेन है वो सेट करना जरूरी है, क्योंकि मेहनत का काम हर एक किसान को लगता है कि उगाना मेरा काम है, बेचना मेरा काम नहीं है, प्रोसेस करना मेरा काम नहीं है, तो ये उगाने के बाद का जो काम है, उत्पाद आने के बाद, फसल आने के बाद का जो काम है, वैल्यू चेन वो पूरा सेट किया, उसको ब्रांडिंग मार्केटिंग उसका अच्छा कर रहा हूँ, उसके बाद प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, जो एक्सेस फूड में जो बता रहा था कि एक्सेस प्रोडक्शन आ जाता है तो वो टाइम पे मार्केट में रेट गिर जाता है, तो वो एक्सेस प्रोडक्शन मार्केट में ना जाए, उससे कुछ प्रोसेस करके कुछ प्रोडक्ट बना सकते हैं। मेरे भाई का बीटेक फूड साइंस हुआ है, तो उसने मुझे उसमें मदद की, तो अंजीर के जाम बनाए हमने 4 फ्लेवर में, अलग अलग जेलीज बनाई। पहले जब खाली अंजीर फ्रूट बेचते थे पर किलो क्या रेट मिलता था, और वैल्यू ऐड करने के बाद क्या रेट मिलता? फार्मर को लगभग 30-40 रुपए का रेट मिलता था पर किलो एवरेज। और अभी क्या मिलता है? वो भी A1 ग्रेड फ्रूट को, A1 ग्रेड के फ्रूट जो है वो हम पैक करके टेबल पर्पज के लिए बेचते हैं सुपर मार्केट में, मेट्रो सिटीज में, और जो सेकंड ग्रेड के फ्रूट्स है जिसमें कि न्यूट्रिशन वही है लेकिन वो मार्केट में उनका दाम कम आ रहा है, वो मार्केट तक पहुंच नहीं पाते, और रहे पे उनको प्रोसेस कर रहे हैं। अच्छा समीर जी, आप वेल एजुकेटेड है, आपने इंजीनियरिंग करी है, तो क्या देखते हैं, क्या कि सरकार को बदलाव करने चाहिए फार्मर्स की इनकम बढ़ाने के लिए, किसान को और आत्मनिर्भर बनाने के लिए, वो और अपने मेन स्ट्रीम में आ जाए, इकोनॉमी का हिस्सा बने, तो क्या देखते हैं उसको लेकर? सरकार तो बहुत आई बहुत गई, प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुए। प्रॉब्लम ऐसी है, अभी अंजीर की खेती मेरी 3 जनरेशन से हो रही है, बचपन से इंजीनियरिंग तो मैंने 4 साल के लिए सीखी, लेकिन अंजीर की खेती मैंने 20-21 साल तक सीखी, एजुकेशन जब तक पूरा हो जाए, तो उसके बारीकी से प्रॉब्लम मुझे मालूम है, अंजीर की खेती में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम भी मुझे मालूम है, सोल्यूशन भी मुझे मालूम है। इसी तरह से हर एक किसान, अलग अलग फसलें अलग अलग राज्यों में हो रही है, तो किसानों को, किसानों के बच्चों को वेल एजुकेटेड, उनका जो नज़रिया अलग है, टेक्निकली जो चीज़ें देखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम अच्छी से मालूम है, क्या प्रॉब्लम है और क्या करना है। 85% हमें वर्कआउट करना है, उसके बाद गवर्नमेंट 15% आपको हेल्प करेगी। तो ये कर रहे हो आप? 85-15 का कैलकुलेशन? हाँ जी सर, अभी मैंने जैसे स्टार्ट किया पूरे सुपरमार्केट में सेल करना, उसके बाद प्रोसेसिंग जब स्टार्ट किया मैंने, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स मुझे जो कुछ मिले, हमारे तहसील में काम करते थे, फिर उन्होंने गाइड किया कि अगर आपको खड़ा करना है बिजनेस
तो उसके लिए फंडिंग या फिर ग्रांट बोले सब्सिडी गवर्नमेंट कैसे देती है? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन करके एक स्कीम है, उस स्कीम के अंदर मैंने मेरा प्रोजेक्ट खड़ा किया। अच्छा, ये बताइए आप कि अभी जो आपका प्रोडक्ट है उसका पूना से कितने रेडियस में, कितने दूरी में फैलाव है? अभी मेरा अंजीर जो है पवित्रक नाम से दिल्ली से कन्याकुमारी तक बहुत सारी मेट्रो सिटीज में जाता है। ऑनलाइन भी बेचते हैं? ऑनलाइन भी बेचते हैं। आप एक फार्मर के बेटे हैं और अब आप तो एक बहुत ही अलग टाइप का मतलब बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं, तो इस सफर में कुछ चैलेंजेस आए होंगे, कहीं आप फेल भी हुए होंगे, तो ऐसे कोई घटना बताइए जब आपको कोई परेशानी फेस करनी पड़ी, क्योंकि सफर तो बहुत आपने अच्छा पार किया लेकिन रास्ते में क्या क्या बाधाएं आए? अभी मुश्किल तो शुरू में ही थी, 40,000-38,000 की जॉब छोड़कर खेती करना ही बड़ी मुश्किल थी गांव के लोगों के लिए, मेरे फैमिली के लोगों के लिए। उनको लगा कि ये गलत कर रहा है, क्योंकि हर किसी के माता पिता चाहते हैं कि उसका भविष्य अच्छा हो, सिक्योर हो, लेकिन उनको प्रूव करने के लिए मुझे टाइम गया 3-4 साल तक। मेरा दिमाग ठंडा रख के डिप्रेशन में ना जाके मेरा काम चालू रखना ही बहुत बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। उसके बाद के जो चैलेंज आए तो फिर वो तो मैं पॉजिटिवली लेता हूँ। अच्छा समीर भाई, मैं जो भी युवा किसान आते हैं पढ़े लिखे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जो इन्वॉल्वमेंट है युवाओं का किसानी खेती में, वो हमेशा मैं सबसे सवाल पूछता हूँ, तो ये कैसे और बढ़ सकता है? खेती में लोग नहीं मिलते एक तरफ प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। और इंडिया पूरा जो देश है पूरा खेती के ऊपर और खेती से अलाइड बिजनेसेस पे पूरा इकोनॉमी डिपेंड करता है इंडिया का। राइट, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया में है, इतनी ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है प्रोडक्ट में, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, आपको सब कुछ मिलेगा। मतलब एक पहाड़ी गांव का, एक छोटे गांव का लड़का NDTV के स्टूडियो में आके इंटरव्यू दे रहा है, इससे और कुछ बड़ी बात नहीं हो सकती। नहीं, आपसे एक और सवाल है, आप NDTV में आए, दर्शक लोग देख रहे हैं, ऐसे भी इसके पहले भी आप प्रोडक्ट को बड़ा कर रहे हैं, आपके जो संगी साथी हैं गाँव वासी, उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? हमने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाया है सब युवा लड़कों को मिला के, तो सबको हम मुनाफा दे रहे हैं, बेनिफिट जो कंपनी का वो सबको दे रहे हैं, सबका हम हमारे गांव का सब इकट्ठा करके उसको पैक करके हम कोऑपरेटिव है कि प्राइवेट लिमिटेड फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी FPO, कुछ मेरे प्राइवेट कंपनी से सेल होता है, कुछ कोऑपरेटिव से होता है। बहुत अच्छा है कि ये परंपरा चलती रहे, आगे बढ़ती रहे, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह से अपनी आग जलाए रखिए और खेती बाड़ी करते रहिए और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनते रहिए। भारत में अंजीर की खेती का 1 करोड़ रुपए का कारोबार है। अंजीर की खेती में औसतन 35-40% का मुनाफा होता है। नाबार्ड और बागबानी से संबंधित कई अन्य रियायतों के जरिए अंजीर की खेती की जा सकती है।